हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आटा और बेसन के लड्डू बनाएंगे। सर्दियों में बनाए जाते हैं ये लड्डू और बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। तो आटा मैंने लिया है पौन बॉल के करीब, बेसन लिया है पौन बॉल के करीब, और पौन बॉल के करीब देसी घी है ये, और ये है मावा, ये भी पौन बॉल के करीब लिया है, और ये काजू की कटिंग है, पिस्ते की कटिंग है, और इलायची एक क्रश करके मैंने ली है। तो अभी इन सब चीज़ों को मिला के अभी हम आटे और बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो ये गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई गर्म करने रखी है गैस पे, और मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ये पौन बॉल के करीब है, पहले मैं थोड़ा ही डालूँगी और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। घी गर्म हो गया है, मीडियम गैस करेंगे अभी, और ये मैं पहले आटा डाल रही हूँ और ये बेसन भी डाल रही हूँ। आटा बेसन दोनों डाल के अभी हम इसे भूनेंगे, इस तरह से भूनेंगे करीब 2-3 मिनट तक हम धीरे गैस पे से भूनेंगे। गैस धीरे कर दी है क्योंकि कढ़ाई नीचे से गर्म रहती है तो जलने का डर रहता है। अब घी लग रहा है थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी, ये 1 चम्मच करीब और डाल रही हूँ। अब इसे 1-2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए लाइट कलर ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आटा और बेसन हमने भून लिया अच्छा सा, और कढ़ाई अभी वैसे गर्म है, ये एकदम लो फ्लेम पे मैंने भुना है क्योंकि नहीं तो ये जल जाता है। अब इसे मैं एक अलग थाली में मैं खाली कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह से सारा बेसन और आटा खाली कर लिया, ये इसे मैंने करीब 3-4 मिनट तक भुना है फ्रेंड्स। अब इसी कढ़ाई में मैं ये मावा डालूंगी। ये थाली में हमारा मिक्सचर ठंडा होगा जब तक हम थोड़ा मावा भुनेंगे, तो मावे के लिए थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, जरा सा डालना है, और अब इसी कढ़ाई में हम ये थोड़ा सा मावा भून लेंगे। एकदम गैस धीरे रखेंगे और मावे को भी 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। अभी बस 1 मिनट तक और भूनूंगी फ्रेंड्स। इस मावे को भी हम अलग
रात में खाली कर लेंगे और इसे भी अब हम ठंडा करेंगे। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। अब ये आटे का और बेसन का मिक्सचर जो हमने फ्राई करा था, भुना था, वो भी ठंडा हो गया है, लेकिन इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसे मावे में मिक्स कर रही हूँ इस तरह से, और अब सारा मिक्सचर हम एक साथ रख देंगे और इसी के अंदर मैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैं काजू डाल रही हूँ और ये पिस्ता और इलायची ये भी डाल रही हूँ और इसे हम अब मिक्स करेंगे इस तरह से। सारा मावे के साथ मिक्स करेंगे और फिर हल्का गर्म रहेगा तब हम लड्डू बनाएंगे। अभी मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। अब इसी मिक्सर में मैं ये शक्कर डाल दूँगी एक बॉल के करीब है, और ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड करी है, ग्राइंड करी हुई पिसी हुई शक्कर है ये, तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ, जैसे ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड। ये अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ और अभी मेरे को इसे हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। सारा हाथ से मिक्स करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे बाउल की शक्कर मैंने इसमें डाल दी है, एक बाउल पूरी शक्कर लगी है, और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे फ्रेंड्स। इसको इस तरह से टाइट करके हाथ को थोड़ा सा इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो मिक्सचर अभी थोड़ा गर्म है इसीलिए लड्डू बन जाएंगे, और सर्दी का टाइम है जल्दी जल्दी बन जाएंगे, अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो बनेंगे भी नहीं अच्छी तरह से। तो आप अपने मर्जी के मुताबिक किसी साइज से भी लड्डू बना सकते हैं। मैं अभी सारे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आटा और बेसन के लड्डू कितने मस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये लड्डू आपके घर में सबको पसंद आएंगे फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह से बने आपसे और आपको सबको कैसे लगे। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और ये लड्डू आप 20-25 दिन आराम से एक एयर टाइट कंटेनर में रख के खा सकते हैं, उसमें स्टोर करके, और आप कभी भी इसे बच्चों को दें, बड़ों को दें, कभी भी दें। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।